मैं 2015 में लिया था ऑटो, तो थोड़ा मैंने फाइनेंस फेट दिया था अपने पैसे रोज 700-800 रुपये करके। तो खालसा हेड वीरजी आए थे, वहाँ से महाराज आए थे, तो यहाँ पे 6 गाड़ियों के सब क्लियर करके गए थे महाराज वीरजी ने। सब तो अभी महाराज की कृपा से तो आधी रोटी तो मिल रही है। हम कितने 15 जने रहते हैं महाराज, पूरी फैमिली एक ही जगह रहती है महाराज। अपनी क्या बोले तो अभी बिजनेस तो कुछ भी नहीं है, मगर क्या बोले तो तवा कढ़ाई चूल्हा ये कोई ऑटो चला लेता है, 400-500 रुपए कर लेता है। तो ऑटो दिलाए तो थोड़ा तो सफर हो गया अपनी फैमिली के लिए। अभी क्या बोले तो 87-85-90 से पड़े हैं इधर, 87-85 से पड़े हैं ऑटो। तो महाराज खालसा हेड ने आया था, वीर जी ने सेवा करी थी, थोड़ी रोटी महाराज की कृपा से तो चल रही। हाँ बदली है, 5 रुपए में तो 2 रुपए तो बदली है महाराज, नहीं तो पहले क्या था कमाने का 500 रुपए उसको रखना, मैंने उसको फाइनेंस दे देना गाड़ी का। तो महाराज खालसा हेड वीर जी आए थे तो थोड़ा बहुत फाइनेंस उस पूरा कम करके गए, बोल के अब गाड़ी अपनी होने महाराज कृपा की वजह से, तो अपन को बस आधी रोटी मिल रही महाराज की कृपा से। आप सब महाराज करके गए थे वीर जी, नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अभी तक तो कोई ने सेवाएं भी नहीं करी अपने सरदार जी लोगों में, जो अपने महाराज आए थे खालसा हेड वीर जी ने, वो लोगों ने इतने दिन के बाद यहाँ पे हैदराबाद आके करी, बोले तो बहुत ग्रेट ही चीज़ है।